हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे राइट केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय क्रिस क्रॉस मेथड। आयनिक कंपाउंड का हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, केमिकल फार्मूला, वो सीखेंगे, और वो भी क्रिस क्रॉस मेथड से। तो सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयन्स से बनते हैं, और हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि दो तरह का आयन्स होता है, एक कैटायन और एक अनायन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो हम लोग को पता है कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, लेकिन ये हम लोग को लर्न है NaCl इसका फार्मूला बना तो ये कैसे बना, तो इसी को हम लोग सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। तो सबसे पहले कि सोडियम क्लोराइड एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है, ये कैसे बनता है तो हम लोग इसको देखेंगे। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब आपका आप इसका EC करोगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है क्लोरीन, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर। जब आप इसका EC करोगे तो 2, 8, 7। आप देख सकते हो कि सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का ज़रूरत है, इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। जैसे ही यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये सोडियम एटम से सोडियम आयन बन गया, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग गेन करेंगे तो माइनस चार्ज। क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, हम लोग को पता है इसका जब EC किए तो आउटर शेल में कितना आया, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7, यानी कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ये 7 अपना लूज नहीं करेगा, बल्कि ईजिली इसको 1 क्या होगा, मिल जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है, तो अब ये क्लोरीन एटम से क्लोरीन आयन बनेगा विथ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि सोडियम क्या था, मेटल था, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है। मेटल्स में हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह मेटल्स के लिए, और नॉन मेटल्स में 5, 6 और 7 रहेगा। तो इनको अगर एक्सेप्ट करना है नॉन मेटल्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली मेटल्स में देखेंगे, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम में 1 था, तो ये 1 लूज किया, अगर 2 है तो 2 लूज कर देगा, जैसे कि मैग्नीशियम का 12 होता है उसका एटॉमिक नंबर। एंड थर्ड, अगर 3 है, एल्युमिनियम जैसे 13 पे आता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसीलिए मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल्स से जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कोई कंपाउंड बनाया जाता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। तो ये कैसे बना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, यानी कि इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1, और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया, और ये सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। पहले जैसे ही ये एटम था तो इसका EC था 2, 8, 1, लेकिन जैसे ही प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन ये दिखा रहा है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका था 2, 8, 7। जैसे ही दिया तो अब क्या बन गया, NaCl, लेकिन Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, क्योंकि अब ये दोनों एटम नहीं आयन बन गए, और अब सोडियम का EC हो जाएगा 2, 8 और क्लोरीन का हो जाएगा 2, 8, 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घट गया। तो अब ये सोडियम एटम से सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन एटम से क्लोरीन आयन बन गया, लेकिन सोडियम पे प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज होता है डैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है, तो ऐसे आयन को हम लोग कटायन बोलते हैं,
प्लस चार्ज वाले को हम लोग कटायन बोलते हैं, और माइनस चार्ज वाले मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होने पे ऐसे आयन को हम लोग अनायन बोलते हैं। तो इस तरह से कटायन और अनायन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड बनते बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड किसका एग्जांपल है? आयोनिक कंपाउंड का। इस तरीके से बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, सबका फार्मूला लर्न करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर हमें सही फार्मूला नहीं आएगा तो हम आगे अपना कोई भी रिएक्शंस नहीं लिख पाएंगे। रिएक्शंस में हमें बहुत सारा होता है, रिएक्टेंट्स दिया रहता है और प्रोडक्ट बनाना होता है, बट हमें फार्मूला लिखने नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट गलत बनता है। और अगर प्रोडक्ट गलत बनेगा तो आप बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो में पूरा सही तरीके से आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, सही तरीका उसका क्या है वो सीखेंगे। और वो सही तरीका है क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में क्लास 9 में ही दिया हुआ है। बहुत लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, बहुत लोग अभी जो 9 में जाएंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, 9 पार कर चुके हैं, 10 में आ चुके हैं, बट उन्हें अभी तक प्रोडक्ट बनाने नहीं आता है, केमिकल फार्मूला लिखने नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों ने क्रिस क्रॉस मेथड सीखा ही नहीं है। तो इस वीडियो में डिटेल में क्रिस क्रॉस मेथड सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड शुरू करने के पहले हम लोग को रेडिकल्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड सीखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो तरह का उसमें एलिमेंट्स मिला हुआ रहेगा, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को ही रेडिकल्स बोल रहे हैं, और रेडिकल्स का नाम हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो रेडिकल्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल या इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल को ही हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, या फिर इसी को कटायन बोलते हैं, जो कि मेनली किससे बनता है? मेटल्स से। जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज करके वो इलेक्ट्रॉन किसी और दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं, और वो खुद क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए उनको हम लोग कटायन बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोग सोडियम का एग्जांपल देख चुके हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल जो है वो एसिडिक रेडिकल है, और इसी को हम लोग अनायन बोलते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके लास्ट में या आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय गेन करते हैं और खुद उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए उनको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल बोलते हैं, और या फिर अनायन बोलते हैं। जब भी हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड सीखेंगे और उसमें हम लोग एलिमेंट्स को डालेंगे, आयोनिक एलिमेंट्स को, आयोनिक कंपाउंड्स को सॉरी, तो आयोनिक कंपाउंड्स में एक कटायन होगा और एक अनायन, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग या सबसे स्टार्टिंग में हम लोग कटायन को लिखते हैं, मतलब मेटल्स को लिखते हैं, देन हम लोग उसके बगल में नॉन मेटल्स या फिर अनायन को लिखते हैं, मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको लिखते हैं। तो ये रूल्स है, इसको हम लोग को लर्न करना है। अब हम लोग सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, उसमें कुछ स्टेप्स है जो जिस स्टेप को हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्टेप वाइज ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्रिस क्रॉस मेथड सीखेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड, तो क्रिस क्रॉस मेथड के लिए कुछ स्टेप्स है, यहाँ पे मैंने 5 स्टेप लिखा है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है राइट सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। हम लोग जो भी रेडिकल्स होगा, जो भी हम लोग को कंपाउंड मिलेगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग को दिख रहा है 2 रेडिकल, एक सोडियम है और एक हाइड्रोक्साइड है, तो हम लोग दोनों रेडिकल का सिंबल को लिख लेंगे। तो सिंबल हमें पता होना चाहिए कि सोडियम को हम लोग Na से दिखाते हैं, हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH से दिखाते हैं, तो ये सारा सिंबल्स हम लोग को याद करना होगा। नेक्स्ट स्टेप 2, एनक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन ब्रैकेट। जो भी कंपाउंड का रेडिकल दिया हुआ है, जो भी, जैसे सोडियम एक रेडिकल था, हाइड्रोक्साइड एक रेडिकल था, दोनों को हम लोग एक एक ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप 3, राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल। दोनों रेडिकल, 2 या 3 जितने भी रेडिकल हैं, सबके में मोस्टली 2 ही होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में 2 ही होते हैं मोस्टली, तो रेडिकल्स का वैलेंसी जस्ट उनके नीचे लिख देंगे हम लोग। स्टेप 4, घबराने का जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल के साथ हम लोग सारा स्टेप्स को सीखते जाएंगे, अभी सिर्फ हम लोग स्टेप को पढ़ रहे हैं, स्टेप के जस्ट बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के साथ सारा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। रिड्यूस वैलेंसी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टेप 4 है ये। अगर वैलेंसी रिड्यूस हो रहा है, मतलब अगर छोटा होते जा रहा है, तो उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज कर देना है। एंड लास्ट क्रिस क्रॉस दी वैलेंसीज, मतलब दोनों रेडिकल के वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देना है। तो ये मेनली 5 स्टेप है, जिसमें हम लोग एक और चीज़ रूल पढ़ चुके हैं कि जब भी रेडिकल्स का नाम लिखते हैं तो उसमें जो कटायन होता है उसका नाम, मतलब बेसिक रेडिकल का नाम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का नाम पहले LHS में, और RHS में हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव का लिखेंगे।
तो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। और एक बात, ये सारे स्टेप को आप पहले तो स्क्रीनशॉट कर लो या फिर कॉपी में राइट डाउन कर लो ताकि आप भूलो नहीं, और इसी मेथड से आप चलोगे। एंड सेकेंडली, बहुत सारे रेडिकल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को याद नहीं रहते हैं, या उनका सिंबल याद नहीं रहता है, या फिर उनका हम लोग को वैलेंसी नहीं याद रहता है। तो अब तुम सिंपल जो भी एलिमेंट्स होगा उसका, तो जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, इसका तो आप इसी करके आराम से वैलेंसी लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो या निकाल सकते हो। बट जैसे हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये सारे जितने भी रेडिकल्स हैं इनका हमें लर्न करना होगा। तो इसके बाद जैसे वीडियो ओवर होगा, ख़त्म होगा, वीडियो के लास्ट में मैं एक टेबल लगा दूंगी जिसमें बहुत सारे रेडिकल्स, मतलब जितने भी रेडिकल्स हैं उनका नाम डाला हुआ है, उनका सिंबल डाला हुआ है, और प्लस वो मोनोवैलेंट हैं, डाइवैलेंट हैं, ट्राइवैलेंट हैं, मतलब मोनोवैलेंट का मतलब उनका वैलेंसी 1 है, डाइवैलेंट मतलब उनका वैलेंसी 2 है, या ट्राइवैलेंट यानी कि उनका वैलेंसी 3 है, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो टेट्रावैलेंट में आते हैं, मतलब जिनका वैलेंसी 4 होता है। वो सब कॉलम बना के आपको दिया हुआ है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि कटायंस का अलग और अनायंस का अलग, तो वो चार्ट आप ज़रूर देख लेना, उसको लर्न कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आगे कंपाउंड बनाने में इजी हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आइए तो हम लोग एग्जाम्पल इसका शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम नाइट्रेट। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या पढ़े थे, और स्टेप के भी पहले रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले कटायन का सिंबल लिखते हैं, और ऐसे भी नाम में आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको कटायन ही, मतलब मेटल्स ही दिखेगा हमेशा। कैल्शियम मेटल है, नाइट्रेट जाहिर सी बात है आयोनिक कंपाउंड है, तो एक मेटल होगा तो एक नॉन मेटल, मतलब एक कटायन होगा तो एक अनायन होगा। तो हमेशा किसी भी केमिकल फार्मूला में या केमिकल नाम में आप अधिकतर देखिएगा कटायन का नाम पहले होता है। तो सिमिलरली हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग सारे सिंबल्स को, जितने भी रेडिकल्स हैं इसमें, कटायन और अनायन दोनों का सिंबल लिख लेते हैं। तो कटायन क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और नाइट्रेट का NO3, ये है नाइट्रेट का सिंबल, हो गया। पहला स्टेप हम लोग का हो गया। सेकेंड स्टेप में था कि दोनों को आप ब्रैकेट में डाल लो, तो कैल्शियम को मैंने एक ब्रैकेट में डाल लिया, नाइट्रेट को भी मैंने एक ब्रैकेट में डाल लिया, हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप था कि इनकी वैलेंसीज लिखी है इनके नीचे। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। अब ये कैसे होता है, तो आपको ईसी करना पड़ेगा, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2, तो 2 इसका वैलेंसी हो गया, लास्ट में 2 आएगा। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इसको मिलेगा नहीं, तो ये 2 लूज करेगा। और नाइट्रेट का, अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैंने कहा था कि चैप्टर, ये वीडियो के एंड में मैं चार्ट लगाऊंगी, उस चार्ट में सारा दिया हुआ है, नाइट्रेट भी उसमें मिलेगा, आप लर्न कर लेना। नाइट्रेट का 1 होता है। अब हम लोग को फोर्थ स्टेप में था कि अगर वैलेंसी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो रिड्यूस कर दो। क्या इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, दोनों कटना चाहिए, तो दोनों तो कट नहीं रहा है, 2 और 1, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी कि कैल्शियम के नीचे नाइट्रेट का वैलेंसी और नाइट्रेट के नीचे हम लोग किसका, कैल्शियम का वैलेंसी। और वैलेंसीज हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, मतलब कैल्शियम के नीचे क्या 1 यहाँ, और नाइट्रेट के नीचे, अब देखो चूंकि NO3 है तो यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि NO3 दोनों के लिए ये 2 है, तो हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना होगा तब 2। अब 1 लिखना ज़रूरी होता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 से, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है Ca होल्ड NO3 2, ये ब्रैकेट में, यानी कि ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और ये नाइट्रोजन के लिए भी है। तो इस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आ गया Ca होल्ड NO3 2, क्लियर। ये है कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। सेकेंड है बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट, तो हम लोग फिर से स्टेप फॉलो करेंगे, बेरियम का हम लोग सिंबल लिखेंगे Ba, नाइट्रेट का हमें पता है NO3, फिर Ba को हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, NO3 को भी हम लोग एक ब्रैकेट में डालेंगे। इतना लंबा स्टेप बार बार करने का जरूरत नहीं, अगर आपको फॉर्मूला बनाने आ गया तो अब इजीएस्ट वे में करके निकलो, ठीक है। बेरियम का वैलेंसी, अब हमें बेरियम का वैलेंसी याद नहीं है, तो अब चार्ट देखो, लर्न करो, या तो इसी करना सीखो। बेरियम का 2 होता है, NO3 का भी जस्ट पढ़ा था 1 होता है, ये और सिंपल नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे,
जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का आया था सिंपली, वन आएगा यहाँ पे, वन लिखना ज़रूरी नहीं है, तो डायरेक्ट BaNO3 होल ब्रैकेट लगाएंगे 2, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा BaNO3 होल 2। क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे मिटा के हम लोग करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। सॉरी ये अगर आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तबीयत ख़राब है, सर्दी है, तो आवाज़ थोड़ा आपको अजीब आ रहा होगा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमोनियम क्लोराइड। थोड़ा सा टफ है बट आ जाएगा, तो कोई टफ नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, NH4 और इधर Cl, NH4 मतलब अमोनियम, अमोनियम का वैलेंसी ब्रैकेट में हम नहीं डाल रहे यहीं पे, नहीं तो तुम चाहो तो डाल सकते हो इस तरीके से। हम लोग को अब स्टेप्स उड़ाना है, जो भी स्टेप्स ज़रूरत नहीं है उसको कट डाउन करो, ईजीएस्ट वे में हम लोग चलेंगे। अभी जस्ट मैंने कहा ज़्यादा टफ में फंसेंगे, ज़्यादा स्टेप्स करेंगे तो उतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में रहता नहीं है। हम लोगों को ये सब रफ वर्क है, ठीक है, रफ में करके हटाना है। अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, इससे छोटा ये हो नहीं सकता है। डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस, तो क्रिस क्रॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों में 1 ही आएगा, तो NH4Cl, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए क्लोरीन मतलब Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, यहीं पे चाहो तो ब्रैकेट में डाल दो, नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या वैलेंसी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस, तो आ जाएगा MgCl2। ठीक है, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, बनाते चलो जल्दी जल्दी ये सारा क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोगों को बार बार मिटाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, सोडियम का Na और सल्फेट का क्या होता है SO4, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। क्या ये इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है वैलेंसीज, नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको क्रिस क्रॉस कर सकते हो, Na2SO4, मान लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर हम लोग कर चुके थे, 4 उधर हो गया था, ये 5 है, नेक्स्ट 6 नंबर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड कुछ नया नया दिख रहा है, कार्बाइड कार्बन से होता है इसलिए उसका फॉर्मूला हम लोग सी लिखेंगे, और एल्युमिनियम का Al होता है और कार्बाइड का सी, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, कार्बाइड का, कार्बन का वैलेंसी 4, हम लोग को पता है कार्बन का ही वैलेंसी 4 होता है, ये मेटलॉइड्स के ग्रुप में आएगा, कार्बन सिलिकॉन ये सब, ये और छोटा नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो Al4C3, ये हुआ एल्युमिनियम कार्बाइड का फार्मूला। क्लियर हो रहा है? आई थिंक ये बहुत ईजी है, अब आप लोगों को समझ में आते जा रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कर लेते हैं, इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं चार्ट दे दूंगी जिसमें दोनों होगा कटायन और अनायन, तो दोनों को मिला के आप कंपाउंड बनाओ, सोचो एग्जांपल्स और सॉल्व करते जाओ, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
अभी जस्ट हम देख रहे हैं एल्युमिनियम का Al, और नाइट्राइड नाइट्रोजन से है तो N, ठीक है। ये नाइट्राइड है और वो नाइट्रेट था, नाइट्रेट का NO3 और नाइट्राइड का N होता है सिर्फ। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का भी वैलेंसी 3, दोनों कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1 1। अब क्रिस क्रॉस कर दो तो AlN डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, क्योंकि अगर आएगा तो 1 1 आएगा ना, तो इसको तुम डायरेक्ट AlN भी लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल। अपने मन से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम का सिंबल होता है Li, ऑक्साइड ऑक्सीजन है। लिथियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। सिंपल नहीं होगा, डायरेक्ट इसको हम लोग क्रस क्रस कर देंगे तो Li2, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, ओ Li2O लिथियम ऑक्साइड का। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा हम लोग को, उसमें कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। लेड का फॉर्मूला होता है Pb और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। लेड का वैलेंसी होता है 4 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिंपल हो सकता है, तो काट दो इसको, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। अब तो नहीं कटेगा, अब क्रिस क्रॉस कर देंगे हम लोग। तो देखो Pb के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 और O के नीचे Pb का वैलेंसी 2, यानी कि डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं PbO2, PbO2, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 10 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम नहीं आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बनना चाहिए। एक है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट कैल्शियम का होता है Ca और फॉस्फेट का होता है PO4। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, फॉस्फेट का वैलेंसी होता है 3। ये सिंपल तो नहीं हो सकता है, तो इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे हम लोग, तो Ca3PO4। अब देख रहे हैं हम लोग कि PO4 है लगा हुआ ऑलरेडी, तो एक ब्रैकेट लगाएंगे PO4 होल 2, तो Ca3PO4 होल 2, ये आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का वैलेंसी, सॉरी फॉर्मूला। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। हम लोगों को नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को इसमें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करिए, आप पूछिए, और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चार्ट दे रही हूँ, तो उस चार्ट से आप क्वेश्चन बनाओ, खुद से एग्जाम्पल सर्च करो कि हाँ इसमें कटायन कौन है, अनायन कौन है, दोनों को मिला करके आयोनिक कंपाउंड बनाओ, और आयोनिक कंपाउंड का जब नाम आपको मिल गया तो आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। कहीं पे भी आपको रिएक्टेंट अगर दे दिया जाए और रिएक्टेंट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि रिएक्टेंट में एक कौन है, कटायन है, दूसरा अनायन है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड ही बनेगा, और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने आप सीख चुके हो, तो कभी भी आपको कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद मैं चार्ट लगा रही हूँ, वो चार्ट आप देखो और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चार्ट में कॉलम बना हुआ है, आप इस तरीके से देखो, मैं लगा दे रही हूँ, ये चार्ट है। इसमें सबसे पहले होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब कटायंस, मतलब कि जो जितने भी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बने हैं। इसमें 4 कॉलम है, एक है मोनोवैलेंट, एक है डाईवैलेंट, एक है ट्राईवैलेंट और एक है टेट्रावैलेंट। मोनो का मतलब होता है जिनका वैलेंसी 1, तो आप यहाँ देख सकते हो सोडियम है, सोडियम का वैलेंसी क्या है, 1 है, तो ये जितने भी 1 वैलेंसी वाले हैं उनको एक में रखा गया है। जिनका वैलेंसी 2 है उसको एक कॉलम में रखा गया है, जिसका वैलेंसी 3 है उसको एक कॉलम में, और टेट्रा मतलब जिनका वैलेंसी 4 है, और ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब सबके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अगर मोनोवैलेंट है तो +1, डाईवैलेंट है तो +2, ट्राईवैलेंट है तो +3 और टेट्रावैलेंट है तो +4। क्लियर हो रहा है?
उसी तरीके से आप चलोगे इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले में, इसमें भी कॉलम बना हुआ है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इसके ऊपर माइनस वन, मोनो वाले में माइनस वन, डाई में माइनस टू, ट्राई में माइनस थ्री। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कंपाउंड कैसे बनाए या रेडिकल्स का नाम हम लोग को या उसका सिंबल्स कैसे लिखे। ये जितना भी है इससे ज़्यादा एलिमेंट्स, इससे ज़्यादा कंपाउंड्स आप बना नहीं सकते हो, काफ़ी है, इनफ है इससे सारे कंपाउंड्स आपके जितने भी क्वेश्चंस में आपके आएंगे एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे आपका डील हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको और मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बदल बदल के क्वेश्चंस बनाओ, ट्राई करो, और जो भी क्वेश्चन का, जो भी कंपाउंड का आपसे फार्मूला नहीं बन रहा है आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमसे पूछ लीजिए, तो आपके लिए हम लोग प्रॉपर उसके लिए वीडियो बनाएंगे अलग से कि हाँ कौन कौन सा कंपाउंड आपसे नहीं बना, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। मैं बार बार कमेंट करने बोल रही हूँ क्योंकि आप कमेंट, जितना कमेंट करोगे उतना ही आपका प्रॉब्लम, आपका डाउट्स हम लोग को पता चलेगा और उसका आंसर आपको मिलते जाएगा। और ये तो चैप्टर से हट के था, अभी हम लोग चैप्टर वाइज भी सीरीज़ चल रहा है, चैप्टर वाइज क्लास 10 का शुरू हुआ है, धीरे धीरे और क्लासेस के आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोस बनाने में क्योंकि वीडियो बनाने में हम कोचिंग में भी हम लोगों को बहुत टाइम देना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा कम हो जाता है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करो इसके साथ। थैंक यू।